बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसी ने सवाल किया है कि क्या सजदे तिलावत और सजदे शुक्र के लिए वज़ू ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ज़ादे मुस्लिम शरिया हेल्पलाइन की जानिब से आप लोगों के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। आप लोग को भी अगर कोई सवाल पूछना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर टेक्स्ट मैसेज या फिर ऑडियो मैसेज करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग की भी जल्द ही रहनुमाई की जाएगी। मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, आयत सजदा सुनने या फिर आयत सजदा की तिलावत करने की सूरत में सजदे तिलावत वाजिब हो जाता है। सजदे तिलावत को छोड़ना गुनाह है, ये अदा किए बग़ैर ज़िम्मे से साक़ित नहीं होता। याद रहे कि सजदे तिलावत करने के लिए बावजू होना ज़रूरी है, बावजू होकर ही सजदे तिलावत करना सही है। इसलिए आला बात यह है कि आदमी जब भी जो है तिलावत करे तो वो बावजू होकर तिलावत किया करे, ताकि जब भी वो आयत सजदा पढ़ें तो फौरन वो सजदे तिलावत कर लिया करे, इससे उसको आसानी हो जाएगी। इसी तरह जब भी हमें कोई नियामत मिलती है या फिर कोई मुसीबत टल जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम शुक्र बजा लाते हैं। उसका मुकम्मल तरीक़ा तो यह है कि हम दो रकात नफिल नमाज पढ़ लिया करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाएँ। लेकिन अगर कोई शख्स सजदे शुक्र करना चाहता है तो वो सजदे शुक्र भी कर सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि वो सजदे शुक्र करने के लिए बावजू हो, यानी कि वो बावजू होने की हालत में सजदे शुक्र अदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।